साल 2012 में निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली सरकार की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी कर दिया। बिल्कुल बोल लेंगे कि जो भी हमारा कानून है एक समय बाउंड के तरह कम से कम जो बलात्कार के मर्डर के केस है उसमें एक समय बाउंड पकड़ के रखना अखिलेश भाई इन चारों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की। इस दौरान मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया। सुनवाई के दौरान निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां कोर्ट में ही रो पड़ी। गौरतलब है कि निर्भया मामले में चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को पहले ही फांसी की सजा दी जा चुकी है। आपकी बेटी की जीत हुई है, निर्भया की जीत हुई? बिल्कुल जीत हुई है। अगर हमारे आज तक 7 साल में हमने बेटी के फोटो पे कभी माला नहीं चढ़ाई, लेकिन जिस दिन उनको फांसी होगी उस दिन माला जरूर चढ़ाऊंगी। नहीं अपनाएंगे आप, कोर्ट अभी की नहीं सुनेगी। नहीं, कोर्ट ने इनको बहुत बहुत समय दिया। मैंने पीछे भी जज साहब से अपनी बात रखी। मैं जज साहब को भी, अपनी न्याय व्यवस्था को भी धन्यवाद देती हूँ। देर से ही सही, लेकिन एक बच्ची कह रहे हैं कि वो इस पे स्टे लगाने की मांग करेंगे, अगली अदालत में जाएंगे। वो उनका काम है, जो वो उनका काम है वो करेंगे, हमारा काम है हम करेंगे। वो 7 साल से इस केस को खींच रहे थे, फाइनली आज कोर्ट ने, तो अब ये कोर्ट का काम है, सरकार का काम है, वो जो अपना काम हो।